सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो और नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कल जो बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर है सर वो कैसा आएगा। तो गाइज अभी इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए यही डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को पूछना चाहूँगा, आप कमेंट करके बताना कि आपकी तैयारी कैसी है। तो गाइज देखो, जो कल बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा। देखो बेसिकली मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा एग्ज़ाम है कॉमर्स स्ट्रीम का जो ज़्यादा हार्ड बनता ही नहीं है। बट जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उनके लिए वो पेपर हार्ड बन जाता है, वरना पेपर बहुत ईजी होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, हमेशा से आपको एक केस दिया जाएगा, उसमें से आपको एग्जैक्टली क्या सही आंसर वो चूज़ करना होगा। तो कल का पेपर भी ऐसा ही होगा, केस स्टडी टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है सैम्पल पेपर से भी क्वेश्चन आए। बाकी पूरी तरीके से अगर बताऊँ तो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, जैसा आज फिजिकल एजुकेशन का पेपर आया था उसी तरीके का कल बिजनेस स्टडीज़ का भी क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आप लोग आराम से तैयारी करो, कोई घबराने वाली बात नहीं, कल का पेपर बहुत सिंपल होगा। और गाइज ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये सारा का सारा मेरे को टीचर ने बताया, उसके बाद में ही मैं आप सभी को बता रहा हूँ कल का पेपर कैसा आ सकता है। तो गाइज वंस अगेन आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आसिंग सेफ रहो।